जंगली जानवरों के बारे में हमेशा से ही हमारा ये ख्याल होता है कि ये बेहद खतरनाक होते हैं और हमें किसी भी समय चोट पहुंचा सकते हैं। हालांकि ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि अक्सर ही ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई इंसान इन जंगली जानवरों के करीब जाने की कोशिश करता है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहता है। लेकिन साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर इन जानवरों के साथ कोई अच्छे से पेश आए तो फिर ये भी उस पर प्यार लुटाने से पीछे नहीं हटते। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही स्पेशल मोमेंट्स बताने वाले हैं जिसमें जानवरों के मालिक या उनकी देखभाल करने वाले लोगों की मुलाकात जब उस जानवर से लंबे समय के बाद हुई तो उन जानवरों ने कैसा सलूक किया, क्या वे उन्हें भूल गए या फिर उन्हें हमेशा याद रखा। चलिए देखते हैं। लायन। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं जंगल के राजा शेर के साथ। आमतौर पर शेर जैसे जानवर के लिए तो ये सोचा भी नहीं जा सकता कि ये किसी इंसान के साथ हमदर्दी रख सकता है, क्योंकि ये तो जंगल का वो शिकारी है जो अपने शिकार को देखते ही उसे मार गिराने के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर भला किसी इंसान के साथ इसका व्यवहार कैसा होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जंगल की तरफ देखते हुए जोर से किसी को आवाज लगा रहा है, जिसके बाद देखते ही देखते यहाँ जंगल से कुछ शेर आ जाते हैं और आते ही कभी इस व्यक्ति के गले लग जाते हैं तो कभी अपना प्यार इस पर लुटाना शुरू कर देते हैं। हद तो तब हो गई जब सबसे आखिरी में एक बब्बर शेर भी इसके गले लगने से पीछे नहीं हटता। दरअसल इस शख्स का नाम है डीन श्नाइडर, जो जंगल में जानवरों की देखभाल करता है। इसे अपने जानवरों से कुछ दिनों के लिए दूर जाना पड़ा, लेकिन जब वो वापस आया तो इसका स्वागत कुछ ऐसे हुआ। कुछ भी कहिए, लेकिन शेरों का इस तरह एक इंसान पर प्यार लुटाना काफी रोमांचक है। लायनेस। शेर के इस ग्रुप को देखकर तो आप ये समझ ही गए होंगे कि जानवर अपने मालिक से कितना प्यार करते हैं। जैसे इस शेरनी को देखिए, जिसका नाम कियारा है। इस शेरनी को एडोल्फो नाम के शख्स ने पाला और इसका उस समय ध्यान रखा जब ये काफी छोटी थी। दरअसल इन दोनों की कहानी शुरू हुई जब एडोल्फो ने कियारा को गोद लिया था, लेकिन साल 2014 में इस तरह के पशुओं पर प्रतिबंध के चलते एडोल्फो को उसे एक पार्क में छोड़ना पड़ा। हालांकि जब 7 सालों के बाद वो कियारा से मिला तो कियारा का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि वो अपने मालिक का चेहरा भी नहीं भूली थी। उसने जैसे ही एडोल्फो को देखा तो उसे प्यार करने के लिए उसके पास पहुंच गई। उसने एडोल्फो को गले लगा लिया और उसके साथ मस्ती करने लगी। यही नहीं, जब एडोल्फो वहां से जाने के लिए आगे बढ़ा तो वो उसके पैर भी पकड़ने लग गई। इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि शेर और शेरनी भले ही खूंखार शिकारियों में गिने जाते हो, लेकिन जब प्यार लुटाने पर आते हैं तो हम इंसानों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। हॉर्स। घोड़े तो हम सभी ने देखे हैं। ये इंसानों के साथ ना केवल अच्छा संबंध रखते हैं बल्कि उनके कई कामों को भी आसान बनाते हैं। यही कारण है कि कई जगहों पर लोग घोड़ों को पालना भी पसंद करते हैं, मगर जब भी वे अपने घोड़े से किसी कारण दूर हो जाते हैं और कुछ समय के बाद मिलते हैं तो वो मंजर वाकई देखने लायक होता है। जैसे इस जगह पर जब एक घोड़े से मिलने उसकी पुरानी ओनर आभा पहुंची तो वो उसे देखते ही खुश हो गया। वो उसके हाथों को बड़े गौर से देखने लगा और जब आभा ने उसे गले लगाना चाहा तो वो भी पीछे नहीं हटा। दरअसल आभा ने इस घोड़े को बचपन से पाला था और जब काफी लंबे समय के बाद उसने अपने घोड़े को देखा तो इमोशनल हो गई और अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। इन दोनों को साथ में इतना खुश देख ये तो समझ आ ही जाता है कि जानवर भी अपने चाहने वालों को कभी नहीं भूलते। डॉग। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इंसान और कुत्तों का रिश्ता बेहद अच्छा होता है। कुत्ते ना केवल इंसानों के लिए वफादार होते हैं बल्कि वे इंसानों के साथ जीवन भर एक प्यार भरा रिश्ता निभाते हैं। कुत्तों के लिए ये भी कहते हैं कि अगर वे किसी इंसान से अटैच्ड हो जाए तो फिर जीवन भर उसका साथ देते हैं। जैसे इस क्लिप को ही देखिए, जहाँ एक शख्स अपने डॉगी से कुछ ही महीनों के लिए दूर हुआ था। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसका डॉगी उससे कितना प्यार करता है। वो इंसान जैसे ही वापस आया तो उसके डॉगी ने दौड़कर अपने मालिक को गले लगा लिया और खुशी से रोने भी लगा। अपने मालिक को दोबारा पाकर मानो इस डॉगी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा हो। आप भी देख सकते हैं कि कैसे ये अपने मालिक को प्यार करने और मस्ती करने में लगा हुआ है। उसकी ये हरकतें देख एक पल के लिए तो उसका मालिक भी बेहद इमोशनल हो गया। लेकिन कुछ भी कहिए, मगर एक कुत्ते का अपने मालिक के लिए इतना प्यार देखकर काफी अच्छा लगता है।
हमारे पास आपके लिए एक और डॉगी का वीडियो है, जहां एक शख्स की पेट डोरा कहीं खो गई थी। हालांकि उस शख्स ने डोरा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, जिसमें उसे करीब 7 महीने का समय लग गया। दरअसल इस शख्स के घर के आसपास जब पटाखे जल रहे थे तो डोरा काफी डर गई थी और घर की फेंस से छलांग लगाकर वहां से भाग गई। इसके बाद उसे एक एनिमल सर्विसेस ने रहने के लिए जगा दी। इसके बाद डोरा के ओनर ने उसे ढूंढ लिया। डोरा ने जैसे ही अपने मालिक को देखा तो तुरंत उसे पहचान लिया और उसके पास चली गई। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी भावुक हो गए। लेकिन मानना पड़ेगा, 7 महीने तक दूर रहने के बावजूद भी डोरा अपने मालिक को जरा भी नहीं भूली। शार्क। शायद ही कोई ये सोच सकता होगा कि शार्क जैसी खतरनाक मछली भी किसी इंसान के साथ दोस्ती कर सकती है, और अगर दोस्ती कर भी ले तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो उस इंसान के चेहरे को याद करके उस रिश्ते को सालों तक निभा ले? आप तो कहेंगे नहीं, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसा मुमकिन कर दिखाया एक टाइगर शार्क ने, जो एक या दो नहीं बल्कि 22 सालों से एक शख्स के साथ अपनी दोस्ती निभा रही है। इस शार्क का नाम एमा है, जो बहामास के समुद्र में रहती है। ये शार्क जैसे ही अपने दोस्त से मिलती है तो अपनी खुशी जताने के लिए उसके आसपास चक्कर मारती है और उसके चेहरे के पास पहुंच जाती है। हालांकि ये शार्क आकार में काफी बड़ी है, लेकिन कभी भी इसने उस शख्स को चोट पहुंचाने या उसका दिल दुखाने की कोशिश नहीं की। इस वाक्य को जानने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि जहां हम इंसान एक समय के बाद आपसी रिश्तों को भूल जाते हैं, वहीं ये टाइगर शार्क कई सालों से एक रिश्ते को बड़ी ही शिद्दत से निभा रही है। एलिफेंट। हाथियों और इंसानों का साथ में रहना तो कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा इंसानों के साथ रहते हैं और उनके साथ मस्ती करना भी पसंद करते हैं। लेकिन इनकी एक और खूबी है कि ये अपने मालिक या अपने दोस्त का चेहरा कभी नहीं भूलते। जैसे हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक शख्स नदी के बीच में खड़ा है और सामने से आते हुए हाथियों को जोर जोर से आवाज लगा रहा है। लेकिन मजा तो तब आता है जब हाथी अपने दोस्त को काफी दूर से भी पहचान जाते हैं और चिंघाड़ कर उस व्यक्ति की आवाज का जवाब देने लगते हैं। यही नहीं, वे उस शख्स के पास आने के लिए अपनी स्पीड भी बढ़ा लेते हैं और जल्दी से उसके पास पहुंचकर उसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे भी उस शख्स से कह रहे हैं कि हमने भी तुम्हें काफी मिस किया। दरअसल इस शख्स और इन हाथियों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और वे करीब 14 महीनों से एक दूसरे से नहीं मिले थे, इसलिए जैसे ही हाथियों ने अपने दोस्त को देखा तो उनका भी प्यार उमड़ गया। उल्फ। दोस्तों, जब बात अपनेपन और प्यार की आती है तो फिर खतरनाक दिखने वाले जानवर भी आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब जैसे इन भेड़ियों को ही देख लीजिए, जो अपनी वेलविशर अनीता से करीब 2 महीने के बाद मिल रहे थे। लेकिन इनकी खुशी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये अपनी दोस्त से सदियों से ना मिले हो। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भेड़िए बेहद ही खतरनाक जानवर होते हैं, जो अपने पास किसी इंसान को फटकने भी नहीं देते हैं। लेकिन अगर वही इंसान इनका दोस्त बन जाए तो उसके साथ अपनी दोस्ती बड़ी ही बखूबी से निभाते हैं। आपको बता दें कि अनीता ने भी इन भेड़ियों के साथ काफी वक्त बिताया है, यही वजह कि ये उसे काफी अच्छे से जानते हैं। वरना कोई भेड़िया आपके इतने पास आ जाए और आपको चोट भी ना पहुंचाए, भला ऐसा कहां संभव है। बियर। इस वीडियो में आप इस भालू को जरा गौर से देखिए, जो अपने सामने खड़े शख्स के साथ कितनी मस्ती कर रहा है। दरअसल इस शख्स ने ही भालू की बहुत देखभाल की, लेकिन लंबे समय से ये एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे। मगर जब मिले तो भालू ने किस तरह से अपना प्यार जताया वो तो आप देख ही रहे हैं। जहाँ एक तरफ जंगल की दुनिया में इस जानवर को बहुत खतरनाक बताया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस भालू की बचकानी हरकतें देखकर आपको जरा भी नहीं लगेगा कि ये जीव कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां जंगल की दुनिया में जानवरों को जीने के लिए एक दूसरे की जान का दुश्मन बनना पड़ता है, तो वहीं अगर कोई उनके साथ अच्छे से पेश आए और उनके ख्याल रखे तो ये कितने अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं, ये तो आज आपने हमारी इस वीडियो में देख ही चुके हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो जल्दी आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।